अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और कभी जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे थे और वह न जाने कहां जा रहा था। कहां जाना चाहता था, न दाया था न बाया था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी है, बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से जुर्रिया खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख पा रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहां सोएगा, यहीं कहीं। कल कहां सोया था, दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं, नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी, सब काम 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा, हाँ। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है, हाँ। कहाँ, 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया, हाँ। क्यों, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए। अब वह नहीं है। कहाँ गया, मर गया। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप, कहिए। आपको नौकरी की जरूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। कहां से लाए, इसे आप जानते हैं। जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए तो अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं।
माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज की किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गरम हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल दीपव में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध किया था।